अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने गिफ्ट भेजा है तो मैंने इसको भी ओपन किया है, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ और मेरी जो वो फ्रेंड हैं उनका मैं शुक्रिया भी अदा कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मुझे पार्सल आया है ये सानिया शेख की तरफ से आया है और वो भी अपने जो रूफ टॉप है उसके ऊपर उन्होंने भी गार्डन जो है वो अपना बनाया हुआ है और वो गार्डनिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड होते हैं उनमें भी वो मौजूद हैं, जैसे जी प्लस है, सेवियर सेवियर में मैं भी मौजूद हूँ, और उसके अलावा गार्डनिंग फॉर हेल्थ और साथ साथ किचन गार्डनिंग। तो ये कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को बनाने का या इन ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मकसद ये होता है कि आप जो नए गार्डनर्स होते हैं या गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप अपने जो तजर्बात हैं वो शेयर कर सकें और जो नए गार्डनर्स हैं ख़ास तौर पे उनकी हेल्प हो सके, और अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं गार्डनिंग से मुतालिक, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो उनकी जो हेल्प है वो हम उस तरीके से इन ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं। तो पैकेट तो मैंने खोल लिया है ऑलरेडी, और अभी मैं इसमें से निकाल के सारे सीड, ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारे सीड्स उन्होंने मुझे भेजे हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं और वेजिटेबल्स भी वो जो अब सीज़न है जिनका, उन उन वेजिटेबल्स के उन्होंने मुझे सीड भेजे हैं। तो ये मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये करेले के और अच्छे खासे सीड उन्होंने भेजे हैं, और करेला जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों में ग्रो होता है और अभी इसका टाइम है लगाने का, तो ये करेले के सीड हैं। उसके अलावा ये पालक के सीड हैं देखिए, और उसके अलावा ये लौकी के मुझे लग रहे हैं, या कद्दू या लौकी जो भी आप कहें, ये उसके सीड हैं ये देखिए, और उसके अलावा ये मुझे टमाटर के सीड लग रहे हैं। अब मैं ग्रो करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि ये किस चीज़ के हैं, क्योंकि मैंने सानिया से पूछा नहीं है और इसके ऊपर मेंशन वगैरह भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टमाटर के सीड हैं, ये भी अभी ग्रो होने वाले सीड्स हैं। उसके अलावा ये मुझे गाजर के सीड लग रहे हैं, और मेरे पास ऑलरेडी गाजर के सीड हैं तो मैंने उनको चेक किया तो मुझे यही लगा कि ये गाजर के सीड हैं। उसके अलावा ये भिंडी है, उसके सीड हैं ये देखिए, और ये खीरा है, उसके सीड हैं, खीरा भी अभी ग्रो होने वाला है। उसके अलावा ये कुछ वाइन्स के सीड उन्होंने मुझे भेजे हैं, बलून वाइन के सीड हैं, और उसके अलावा ये बटरफ्लाई पी के सीड हैं, और ये टच मी नॉट जो छुई मुई का पौधा होता है ये उसके सीड हैं। काफ़ी अच्छे सीड्स और काफ़ी अच्छी तादाद में भी मुझे मिले हैं। एक सॉरी फ्रेंड्स, एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना भूल गई, ये मोरिंगा के सीड हैं, और मोरिंगा भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए भी, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ग्रो करूँगी सीड्स के साथ। थैंक यू सो मच सानिया सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, आपने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे भेजा, और एक गार्डनर के लिए सीड्स के गिफ्ट से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया आपका, और आई होप कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।